हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का पूरा वन शॉट एक पेज के अंदर मैं कवर कराने वाला हूँ। मोटा मोटा बेसिक चीजें लिख करके ला चुका हूँ एंड आपको पूरा एक क्विक रिवीजन एपिसोड में देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारा नीट 2024 का पूरा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। आप जेई का भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कंपिटेटिव एग्जाम्स, तो आपका क्विक रिवीजन के लिए बहुत तगड़े एपिसोड्स आ रहे हैं। इससे पहले आपका क्लास 11 का चार चैप्टर मैं कवर करवा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग तक। ये हमारा फिफ्थ एपिसोड होने वाला है, ठीक है ना। पूरा 11th, पूरा 12th, पूरा केमिस्ट्री में यहाँ पे रिवीजन कराने वाला हूँ। पूरा सीरीज आपका नीट 24 एग्जाम से पहले कवर होगा। चाहे आप किसी भी साल में एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको बहुत तगड़ा रिवीजन एपिसोड देखने को मिलेगा। तो रैंकर्स हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में देखो, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। थर्मो मतलब होता है हीट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसमें जो एनर्जी का चेंज होता है, हीट का जो चेंज होता है, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, हीट का बाहर आना या तो हीट का अंदर जाना, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर में हीट का जो बाहर आना या फिर तो बाहर जाना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में, ये जो आपका स्टेज है इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दो टर्म याद रखना है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कोई भी बॉन्ड जब टूटता है उसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। कोई भी बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये दो टर्म आप याद रखना। इसके आगे अपन देखते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यार सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक्स का बेस है, प्रिंसिपल्स है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखो यार, सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो कि एक ऑब्जर्वेशन के अंदर में है। जैसे कि आपका कैमरे की स्क्रीन के अंदर में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आपका सिस्टम हो गया। और इस जो कैमरा एंगल के बाहर में जो सेक्शन है, जैसे हाथ इधर कर रहा हूं तो आपको नहीं दिख रहा, ये जो सेक्शन है ये आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सेप्ट द सिस्टम, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है और सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो चीज सेपरेट कर रहा है, जैसे कि ये चीज आपका सेपरेट कर रहा है यहां पे, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री, ठीक है। तो ये आपका कुछ मोटा मोटा टर्म्स है। अब जैसे कि सिस्टम का ना तीन टाइप ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पे यार ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम के अंदर में जैसे कि एक मान लो कुकर है, ठीक है, कुकर में पानी गर्म कर रहे हो, उसमें यार आप मान लो कि क्या हो रहा है, कोई भी ढक्कन नहीं है ऊपर से, तो क्या हो रहा है आपका एनर्जी, या तो मतलब बेसिकली आपका गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। तो एनर्जी एज वेल एज मैटर, दोनों चीज आपका जब एक्सचेंज हो सकता है उसको अपन एज अ ओपन सिस्टम डिफाइन करते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब क्या है, वही पानी उबाल रहे हो, ठीक है, गर्म पानी उबाल रहे हो, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, एक बर्तन डाल दिया, ठीक है, एक प्लेट से ढक दिया उस चीज को। तो वहां पे क्या हो सकता है कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मैटर जो है, जो गैस है, वो नहीं यहां पर बाहर आ पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो अपन जब चिकन बनाते हैं तो उस टाइम ऐसे ढक्कन को बंद कर देते हैं ताकि वो अच्छे से पक पाए, बॉयल हो पाए, वो बाहर ना आ पाए मैटर जो है, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि ये मैं दिखाता हूं आपको, ये चीज है, ठीक है, तो इसका जब ऐसे खोल के रख दी ओपन सिस्टम, ऐसे कर दिए क्लोज सिस्टम, और इसको जब पूरा बंद कर देंगे, इसके अंदर में मान लो पानी है, लेट्स से, ठीक है, एक बॉटल है कोई भी, ठीक है, उसके अंदर में पानी है और इसको ऐसे बंद कर देंगे, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो अभी भी चेंज नहीं होगा, कल भी चेंज नहीं होगा, इसका हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। आगे डिफाइन करते हैं हीट को, ठीक है। अब हीट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यार। जब बाय द सिस्टम होता है ना, तब क्या होता है आपका क्यू मतलब हीट, एंड आपका जो वर्क होता है वो यार क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि क्या समझाने की कोशिश करो, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम से जब आप किसी भी चीज को, कोई भी हीट को बाहर कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम से जब कोई एक्शन लेते हो, वो चीज क्या होता है यार, सिस्टम कर रहा है तो बाय द सिस्टम सिस्टम कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, वर्क डन जो होगा हमारे पास में नेगेटिव होगा, एंड आपका हीट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर में कोई चीज डाल रहे हो, ठीक है, सिस्टम के अंदर में कोई चीज डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, सिस्टम तो नहीं कर रहा ना ये चीज, बाहर से किया जा रहा है, एक्सटर्नली किया जा रहा है ऑन द सिस्टम, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, आपका क्यू मतलब हीट एंड आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, 1 लीटर एटमोस्फेरिक का मतलब 101.3 जूल, यहाँ पे 1 लीटर बार का आपका बेसिकली आप देख सकते हो 100 जूल, ये सब चीज आपको देखना है। अब डिफाइन करेंगे अपन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लाइक काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। इसमें याद रखना कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है इंक्लूडेड नहीं होता इंटरनल एनर्जी के अंदर में। इसके अलावा जितने भी एनर्जी हो सकता है वो सारे एनर्जी को सम करके उसका जो टोटल होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब एक चीज याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी ऐसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करने के लिए उसका चेंज को अपन पकड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डेल यू मतलब इसका चेंज क्या होता है, कि आपका इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल का जो चेंज है उसको अपन डिफाइन करते हैं एज इंटरनल एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि जब आपका फाइनल जो है वो इनिशियल से जब आपका एनर्जी इंटरनल एनर्जी बड़ा होगा, ठीक है, फाइनल जो है इनिशियल से बड़ा होगा, इन दैट केस क्या होगा, आपका इंटरनल एनर्जी जो है पॉजिटिव होगा। जब आपका फाइनल जो है इंटरनल एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन दी इंटरनल एनर्जी इनिशियल, दैट विल बी इज इक्वल्स टू आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा उसका वैल्यू होगा नेगेटिव में, ठीक है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कि एनर्जी कांट बी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी जो है ना वो क्रिएट किया जा सकता है ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफर किया जा सकता है एक दूसरे से। इसका जो फॉर्म है दैट इज क्या होता है आपका डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हीट और आपका वर्क, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है कि यार इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं बिकॉज इससे आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। मतलब क्या है कि ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, तो सम ऑफ इनिशियल एनर्जी एंड आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों को मिला करके इनिशियल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और आपका बेसिकली यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम को मिला करके आपका एंथैल्पी बनता है। अब इसको अपन थोड़ा अपडेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एन जी आर टी, ठीक है, जब आइडियल गैस के केस में आप करते हो तो ये चीज भी आपको याद रखना है आइडियल गैस के केस में। फर्स्ट लॉ का जो लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है, इट डजंट एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, फिजिबिलिटी को ये हमारे पास में डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है। आगे देखते हैं कि यार स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। कोई भी नेचुरल टेंडेंसी, जैसे कि आप सो रहे हो सपोज, ठीक है, तो उसमें से जब आप उठते हो, ठीक है, आपको मान लो कि एग्जाम का सिनेरियो चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, नीट एग्जाम आ रहा है आपका, 30 दिन में नीट एग्जाम है, तो इन दैट केस क्या होता है कि आप यार खुद से उठ जाते हो प्रेशर में, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, आपका मम्मी आके आपको उठा रहा है, पापा आके मार रहे, ठीक है, आपके ऊपर गर्म पानी फेंका, फिर आप ठंडा पानी फेंका, फिर आप सो के उठते हो, है ना, तो ये आपका हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, तो जितना ज्यादा रैंडमनेस उतना ज्यादा एंट्रोपी, ठीक है, इसका आप देख सकते हो, इसको भी ऐसे अपन चेंज से ही बेसिकली डिफाइन करते हैं एंट्रोपी को भी, इसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यार आपका डेल एस विल बी इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार आपका डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल एस इज इक्वल्स टू डेल एच बाई टी। मतलब क्या होता है आपका, ये हो गया आपका एंथैल्पी अपॉन टी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, एंड आप बेसिकली इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि आपका डेल एस जो है, मतलब एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स दैट विल बी इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों चीज का आप जब कैलकुलेट करते हो प्लस करके एक्यूमुलेट करके तब आपका बेसिकली एंट्रोपी निकलता है यूनिवर्स का, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, एमसीक्यू में आता है कि यार आपका एंट्रोपी ऑफ गैस जो है सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सबसे कम होता है सॉलिड का, ठीक है, याद रखना है। लास्ट टॉपिक है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आपको आपका जो क्लास 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर भी गिब्स फ्री एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। एक चीज याद रखना कि यार इसका जो फॉर्म है दैट विल बी क्या होता है डेल जी, इसका भी चेंज अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डेल एच, मतलब क्या होता है आपका एंथैल्पी माइनस टी डेल एस, ठीक है। यहां पे देख सकते हो जब ये आपका पॉजिटिव होता है, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब नेगेटिव होता है, वो यार आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि यार डेल जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, और इसमें हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में हमेशा डेल जी का वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये याद रखा करो कि डेल जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा, जब जीरो में रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। फाइनली हमारा विदिन 8 मिनट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब टू रैंकर्स भारत यूट्यूब चैनल, एंड आई होप ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए डेफिनेटली यार रैंकर्स भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और ये जो पूरा सीरीज चल रहा है मैं कंप्लीट कराने वाला हूं 11th प्लस 12th दोनों चीज का कंप्लीट केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज, तो डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट बना के रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए यार वीडियो को यहां पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।